फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स में, यानी कि जो आप वेबसाइट्स पर जाकर जो कुछ भी आप खरीदारी करते हैं उनकी बिक्री अलग अलग वेबसाइट पर जाकर करते हैं या कंपनियों की वेबसाइट पर भी डायरेक्टली करते हैं, वहां पर जबरदस्त बिक्री देखने को मिल रही है। आंकड़े कैसे हैं, कितनी ज्यादा बिक्री होती दिख रही है, आइए जानते हैं। नूपुर हमारे साथ है इस वक्त, नूपुर बताइए, सब लोग घर बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हैं? बिल्कुल सब घर बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। ये सारे शॉपिंग वाले लिंक्स आप ही क्यों लेके आते हैं? सारे आते हैं, चाहे मॉल में जाके शॉपिंग वाले हो चाहे घर बैठे शॉपिंग वाले, कोई खास वजह इसकी? वो तो मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। अच्छा, ओके, समझ गया, मतलब शॉपिंग वाले। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग डेटा है सर, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन अगर हम ई कॉमर्स का देखें, जो सेल ऑन है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, अभी फिलहाल 4 दिनों में 24,500 करोड़ से ज्यादा की सेल हो चुकी है। हा? हाँ सर, 25,000 करोड़ की सेल्स। हाँ, गजब, खर्चा ही खर्चा हो रहा है सर। ओके, 28% ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। पर्सनल केयर पे लोग काफी ध्यान दे रहे हैं, 70% का वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ पे। थोड़ी देर पहले में क्या क्या आ गया भाई? सब कुछ सर। पर्सनल केयर मतलब नायका आ जाएगा? नहीं नहीं, कंपनी नहीं, प्रोडक्ट्स। पर्सनल केयर में क्या 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 गिने जाते हैं पर्सनल केयर में? परफ्यूम्स, डीओस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उनकी बिक्री सबसे ज्यादा 70%। अच्छा, ओके। और इंटरेस्टिंग है सर, थोड़ी देर पहले डेटिंग ऐप की बात हो रही थी, तो डेटिंग के लिए फोन चाहिए होता है, तो 25,000 करोड़ में 11,000 करोड़ तो मोबाइल फोन ही बिके हैं। 50% ऑलमोस्ट। यस सर, मोबाइल मोबाइल, क्या बात है। अच्छा, मतलब भले क्वांटम में कम हो लेकिन क्वांटिटी में कम हो लेकिन प्राइस वैल्यू वाइज देखेंगे तो मतलब वैल्यू वाइज तो हाईएस्ट है मोबाइल, हाईएस्ट हाईएस्ट। और एप्पल और वन प्लस सबसे ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि डिस्काउंट बहुत ज्यादा है तो। अच्छा, एप्पल भी डिस्काउंट देता है? हाँ सर। अच्छा जी, ओके। वो 14 नंबर पे है डिस्काउंट? हाँ, 14 नंबर पे। वैसे आ रहा है, आई थिंक नूपुर दिखा भी रही थी कुछ। हाँ सर, मैं एक्चुअली कल दिखा भी रही थी कि एक्चुअली मेरे भाई ने लिया, ऑनेस्टली। आईफोन 14 पे भी डिस्काउंट है? तो 80,000 का लोगों ने 60 के आसपास लिया है। अच्छा, मिल रहा, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब है डिस्काउंट तो है। ओके, चलिए, बंसल जी को गिफ्ट देना होगा, कुनाल जी को तो 20,000 सस्ता मिलेगा उनको। अच्छा, और बताइए और क्या क्या डिटेल्स हैं? और उसके अलावा होम डेकोर के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ आती दिख रही है। गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, सब तरफ इक्वल ग्रोथ है। इनफैक्ट महीने भर का जो फेस्टिव सीजन है वहाँ पे 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की इस बार सेल्स हो सकती है। हमने बात की थी कि रूरल इंडिया में डिमांड कम है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफिकल ब्रेकअप देखेंगे तो टियर 1 सिटीज में 32% से वॉल्यूम ग्रोथ है, टियर 2 में 20% और टियर 3 सिटीज में इनफैक्ट 28% से ग्रोथ आती दिखी है। तो रूरल डिमांड भी इस बार स्ट्रांग है, तो सारे स्टॉक्स फैशन से जुड़े, पर्सनल केयर से जुड़े, इस पे नजर रहेगी। ओके, तो जबरदस्त ई कॉमर्स में बिक्री होती हुई दिख रही है, जो कुछ भी सेल्स, तो नूपुर के लिए वही है, नूपुर के लिए वही ठीक है। जब हम सुबह हम बात कर रहे हैं, फोटो इज माई मोटो, तो नूपुर के शॉप टिल यू ड्रॉप है ना, करते रहो खर्चा, करते रहो शॉपिंग, मर्जी आई है ना, बिल आएगा तब देखा, क्रेडिट कार्ड को तो बोलो ना, हस्बैंड ही देख लेगा। हाँ, मतलब जो भी देखेगा, जो देखेगा देखेगा, लेकिन ये तो ट्रेंड बड़ा बदल रहा है, बहुत जबरदस्त खर्चा है ही नहीं। अब बताओ कहाँ है मंदी, कहाँ है मंदी, सवाल ये कहाँ है मंदी। आशीष जी, जो ये इतनी शॉपिंग की जा रही है, इसके बारे में कोई आपकी विशेष टिप्पणी? आशु जी, ये लगता है जी, अनिल जी वही सेम थ्योरी। हाँ। सेम थ्योरी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ। ये जो अनिल जी, हम जो बात करते हैं ना कि एयरपोर्ट पे बहुत रश है, रेस्टोरेंट पे बहुत रश है, फ्लाइट में जगह नहीं है, अनिल जी सिर्फ जो पैसा खर्च हो रहा है वो सिर्फ शॉपिंग, खाना पीना, घूमने में हो रहा है। अगेन विद द सेम स्पिरिट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अनिल जी, मैं बार बार आपको समझाने की और थोड़ा हिलाने की कोशिश करता रहता हूं कि इन्वेस्टिंग भी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज होगी, और इसमें जो पैसे जा रहे हैं अनिल जी, उसको देख के आप पूरा इकोनॉमी में नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनिल जी साइकोलॉजिकल चीज हो रही है। आशु जी, हम न समझेंगे न सुधरेंगे, हमें इस बात का ज्ञान और इस सत्य का ज्ञान तभी होगा जब हम किसी दिन आपके साथ गोवा जाएंगे, और वहां हमें पता चलेगा कि जिंदगी में ना मिलेगी दोबारा। या स्टूडियो में कैसे समझ में आएगा? Correct. आप कितनी भी कोशिश कर ले, वहां जाके जब जिंदगी जिएंगे तो पता चलेगा कि बॉल इज इन योर। अनिल जी, अनिल जी एक मैं चीज बताता हूँ, आपको नहीं पता कि आपके नीचे एक रिवोल्ट की तैयारी हो रही है,
और उस रिपोर्ट के सरगना कौन है जो आज टीवी पर नहीं है पैनल पे, कुणाल जी। और कुणाल जी ने अनिल जी ये तक कहा है कि अगर अनिल जी नहीं जाते तो नहीं जाए, हम सब चलते हैं। अच्छा। हम वहां से शो करेंगे, अनिल जी को अकेले स्टूडियो में छोड़ देंगे, तब उनको इतना फोमो होगा तब समझ आएगी कि चलना चाहिए। आपको क्या लगता है मेरे सूत्र इतने ढीले? देखो आज सुबह मुझे पता चला अभी शो में कुणाल जी है नहीं। नहीं, ये मजाक की बात है, कुरान जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कल सुबह आपको दर्शन जरूर देंगे, लेकिन मौका मिला तो मैंने कहा चौका मारा तो देख लिया जाए।